वो भारत का बड़ी बड़ी मूछों वाला पायलट अभिनंदन, उसको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को तीसरे बड़े फौजी एजाज देने पर ये कहा है कि भारतीय जालसाजी और फर्जी किस्से कहानियों की एक बेहतरीन मिसाल है। अभिनंदन जिसे हमने पाकिस्तान के एक गाँव में से घसीट के दौड़ा के मार मार के जिसका हमने भुरकस निकाल दिया था, वही अभिनंदन। इसका मकसद अपने अवाम को खुश करना है, बस खुश कर लें और झूठ बोलें जितना मर्जी। ये जनाबे वाला वो एक हमारे मसीहा हैं अभिनंदन, वो इतने बड़े फाइटर हैं, वो इतने बड़े जगादरी हैं कि जिनको हमें वीर चक्र, परम वीर चक्र देना पड़ेगा। यार कोई खुदा का खौफ करो। और बहुत सीना चांद तान तान के वो कहता था कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे जिसमें वो समझते हैं। वो जो हमला हुआ था 26/11 का मुंबई पे, किधर थी आपकी सिक्योरिटी? इतने ही परमवीर चक्र हासिल करने वाले लोग हो तो बचा लेते। बाकी अभिनंदन सोच रहा होगा कि मैंने क्या किया था। ये एक डिटाई और बेशर्मी का नमूना था और इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया को आप जो चीज चाहे देखा, दुनिया को तो पता है। बहादुरी आप दिखा सकते हैं सनी देओल की फिल्मों में, अजय देवगन की फिल्मों में। अब उसके बाद इसको पकड़ा, इसको थोड़ी मार भी लगी, फिर इसको चाय भी पिलाई, फिर इसके कपड़े भी चाहिए, यूनिफॉर्म रख दिया और इसको वापस कर दिया। उसकी तीर तो तलवार तमंचा वो सब जो घसीट करके हमने उतारा था, उसको जो बेभाव की मार मारी वो तो एक अलग ही चीज है। वो बेचारे को किस लिए, उसको 10-12 घूसे, 20-25 लाते, 100-200 गालियां खाने के लिए अगर आपने परमवीर चक्र दिया तो मैं आपके साथ हूं, मैं खैर मकदम करता हूं आपका। लेकिन उखाड़ा उसने कुछ नहीं, आपस की बात है। ज्यादा बड़े बड़े पंगे लेने की क्या जरूरत है। अभिनंदन आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है, वही अभिनंदन जिसे हमने पाकिस्तान के एक गांव में से घसीट के दौड़ा के मार मार के जिसका हमने भुरकस निकाल दिया था, वही अभिनंदन। मैं हैरान हूँ, 1 अरब लोगों का मस्कन नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरिया भारत, दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, किस किस्म के लोग वहाँ बस रहे हैं। अलल टप एक ऐलान आपने फरमा दिया कि जनाबे वाला वो एक हमारे मसीहा हैं अभिनंदन, और वो इतने बड़े फाइटर हैं, वो इतने बड़े जगादरी हैं कि जिनको हमें वीर चक्र, परम वीर चक्र देना पड़ेगा। यार कोई खुदा का खौफ करो। ये इतने इंटेलेक्चुअल्स की सरजमीन पे ये हो क्या रहा है? क्योंकि ये तो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो तो अकल से पैदल हैं। अभिनंदन का नाम कॉल ऑन हुआ और उसके बाद उसको बुला करके और आपने वहाँ पे परमवीर चक्र उसको जो है वो दे दिया। ये वीर का मतलब, वीर चक्र आप समझे मतलब बहादुरी का तमगा। अभिनंदन का मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए गया था यहाँ PF म्यूजियम में, उसकी तीर तो तलवार तमंचा वो सब जो घसीट करके हमने उतारा था, उसको जो बेभाव की मार मारी वो तो एक अलग ही चीज़ है। वो बेचारे को किस लिए, उसको 10-12 घूसे, 20-25 लाते, 100-200 गालियां खाने के लिए अगर आपने परमवीर चक्र दिया तो मैं आपके साथ हूं, मैं खैर मकदम करता हूं आपका। लेकिन उखाड़ा उसने कुछ नहीं, आपस की बात है। आपने इंडियन शहरों को जो है वो टेक्नोलॉजी का हब बना दिया होगा, ठीक है, लेकिन बहादुरी, लेकिन तमगा शुजात फलाना ढिमकाना, ये सारे ड्रामे, ये सारी टोपियां आपकी नहीं है। वो जो हमला हुआ था 26/11 का मुंबई पे, किधर थी आपकी सिक्योरिटी? इतने ही परमवीर चक्र हासिल करने वाले लोग हो तो बचा लेते। बहादुरी आप दिखा सकते हैं सनी देओल की फिल्मों में, अजय देवगन की फिल्मों में, उड़ी स्ट्राइक, पता नहीं और कौन कौन सी फिल्में, वो पायलट बना अजय देवगन जिसमें, पता नहीं कौन सी। भाई यही ठीक है, यही ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े पंगे लेने की क्या ज़रूरत है। जो आपको T20 वर्ल्ड कप के मैदान में पहले पाकिस्तान से हार के और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे पै दर पै होने वाली शिकस्तों में वो जो आपको हुई वो एक झटका, फिर उस एम्बेरसमेंट को कवर अप करने के लिए एक उससे बड़ी एम्बेरसमेंट उसके कंधे पे अपने सर रख करके और रोने, मतलब कौन लोग हो तुसी यार। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की जानिब से भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को तीसरे बड़े फौजी एजाज देने पर यह कहा है कि भारतीय जालसाजी और फर्जी किस्से कहानियों की एक बेहतरीन मिसाल है। इसका मकसद अपने अवाम को
खुश करना है, बस खुश कर लें और झूठ बोल लें जितना मर्जी कि जी अभिनंदन ने फरवरी 2019 में आजाद जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी से पहले एक पाकिस्तानी जंगी तैयारा F-16 मार गिराया था। अब दूसरी जानी फवाद चौधरी साहब ने अभिनंदन को दिए जाने वाले एजाज को भारत के ऐवान सदर में कॉमेडी फिल्म के सीन की शूटिंग करार दे दी है। ट्विटर पर उन्होंने जो ट्वीट किया वो कहते हैं जी कि अभिनंदन इस अवार्ड को वसूल करते हुए शायद खुद भी सोच रहे होंगे कि मुझे किधर ले जा रहे हो, मैंने किया क्या है। और ये अभिनंदन जिस तरह गिरा था तैयारे समेत, फिर पाकिस्तान से चाय पीकर गया था, जज्बा खैर सगाली के तहत हमने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, ज़र्फ़ का मुजाहरा करते हुए उसको छोड़ा था, इन तमाम चीज़ों पर भारत उसको अवार्ड दे रहा है, मतलब अलग-अलग झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी F-16 गिराने पर आपको अवार्ड दिया जाता है। वाकई अभिनंदन सोच रहा होगा कि मैंने क्या किया था कि आप पाकिस्तान के एरिया में आए, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आपका जहाज गिराया, अब उसके बाद इसको पकड़ा, इसको थोड़ी मार भी लगी, फिर इसको चाय भी पिलाई, फिर इसके कपड़े भी चाहिए, यूनिफॉर्म रख दिया और इसको वापस कर दिया। इसके बावजूद ये इतनी अनट्रेन, अनप्रोफेशनल और इतने झूठी फौज, एयरफोर्स और इनके लीडर्स हैं कि वो उसको जाके दे रहे हैं वीर चक्र। इमेजिन करें कि जिसने फायर भी नहीं किया और फिर दुनिया ने इसको साबित कर लिया, इसका मतलब कि इनका स्टैंडर्ड इनके लिए बहुत बड़ा तीर था कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद क्रॉस की और आराम से जहाज गिरा दिया और उसके बाद वो आके मार खा के वापस चला गया। यानी को बाकियों को भी बता रहे थे जो जो जहाज गिराएगा उसको अवार्ड से नवाजा जाएगा, अवार्ड से मारा जाएगा और जो थोड़ा और अंदर आएगा तो उसको फिर जो इससे बड़ा अवार्ड होता है वो दिया जाएगा। इनको शर्म नहीं आई, ये असल में इतने झूठे हैं, ये झूठ बोल बोल के अब ये इतने आदी हो गए हैं कि अपने सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए कि हमारी इज्जत बच जाए, उनको बेचारे बताने के लिए अब आवाम को क्या पता कि F-16 क्या है, MiG-21 क्या है। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्मिंदगी, ढिटाई और बेशर्मी के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल नाज़रीन, आपको याद होगा वो भारत का बड़ी बड़ी मूछों वाला पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान में आया तो मेहमान बनकर और अपना मिलियंस ऑफ डॉलर का तैयारा 21 तबाह करवा कर खुद भी गिरफ्तार हुआ था। भारत इसे अपनी जीत कह रहा है और सारे इंडियंस इस कहानी को मानते हैं, उसको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। क्या इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं कि भारत सब कुछ जानते हुए भी अपनी आवाम को धोखा देकर अभिनंदन को, उस अभिनंदन को अवार्ड दे रहा है जो यहाँ से शिकस्त खा कर गया है। देखिए, इसको आप जोड़ें अपनी उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनकी मिलिट्री लीडरशिप और मोदी के साथ, ये एक नेक्सस है जो सबसे मिलकर चल रहा है, क्योंकि मोदी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर बिल्ड किया था पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पे और बहुत सीना चांद तान तान के वो कहता था कि पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे जिसमें वो समझते हैं। अब वो तवक्कात वहां पे मौजूद हैं हिंदू पॉपुलेशन में एक इमेज के तहत कि पाकिस्तान को ये बहुत मजा चखाएगा, पाकिस्तान का ये करेगा वो करेगा, फौज में शायद वो भी इसी ख्याल में, इस खुशफहमी में जिंदा रहना चाहते हो। तो आवाम आज जो है वो कुछ बॉलीवुड की वजह से कि उन्होंने उनको घुसके मारे वाली कहानी सुना सुना के कुछ पागल किया हुआ है, ये एक डिटाई और बेशर्मी का नमूना था और इसके अलावा कुछ नहीं।